तो क्योंकि आने वाले फ्राइडे को WWE UK में रहेंगे, इसलिए उन्होंने इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को पहले से ही शूट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का फुल रिजल्ट जानेंगे। और WWE ने कल के मंडे नाइट रॉ के लिए भी बहुत सारे सेगमेंट्स अनाउंस कर दिए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो इस हफ्ते कैरियन क्रॉस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उनके इन रिंग डेब्यू करेंगे और कैरियन क्रॉस का मैच होगा ड्रू गुलाक के साथ, जिसमें ऑब्वियसली कैरियन क्रॉस ही जीतेंगे। और इसके बाद रोंडा रॉजी का सेगमेंट फैंस को देखने मिलेगा, क्योंकि WWE ने अनाउंस कर दिया था कि इस हफ्ते WWE डिसाइड करेंगे कि रोंडा रॉजी का सस्पेंशन कैंसिल करना है या नहीं। और इसलिए रोंडा रॉजी रिंग में आएंगी और वो WWE ऑफिशियल एडम पियर्स को कॉल आउट करेंगी कि एडम पियर्स आकर बताएं कि रोंडा रॉजी का सस्पेंशन कैंसिल हुआ है या नहीं। और एडम पियर्स आकर ये बताएंगे कि WWE ने डिसाइड किया है क्योंकि रोंडा रॉजी ने उनका फाइन भर दिया है, इसलिए रोंडा रॉजी का सस्पेंशन हटाया जा रहा है और रोंडा रॉजी अब WWE में रिटर्न आ सकती हैं। पर इसके बाद एडम पियर्स ने ये बोला कि अगर ये डिसीजन उनका होता तो वो रोंडा रॉजी को कब का फायर कर चुके होते, क्योंकि रोंडा जितनी बेकार सुपरस्टार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में नहीं है। और इसलिए रोंडा रॉजी ने गुस्से में आकर आर्मबार सबमिशन लगा दिया WWE ऑफिशियल एडम पियर्स को। तो इसके बाद फैंस को देखने मिलेगा हिटरो का टैग टीम मैच मैक्सिमम मेल मॉडल्स के साथ, और इस मैच में हिटरो जीत जाएंगे। और मैच के बाद एंजल गाजा और हम्बर्टो करिलो हिटरो पे अटैक करने आएंगे, पर हिटरो को भी बचाने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट की टैग टीम रिंग में आ जाएगी। तो इसके बाद हैप्पी कॉर्बिन ओपन चैलेंज रखेंगे, जिसे एक्सेप्ट करेंगे शिंसुके नाकामुरा, और शिंसुके कॉर्बिन को सिंगल्स मैच में हरा देंगे और इसलिए कॉर्बिन का लूजिंग स्ट्रीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कंटिन्यू होगा। और इसके बाद बुच और लुडविग कैसर का सिंगल्स मैच फैंस को देखने मिलेगा, जिसमें बुच जीत जाएंगे। और जब शेमस और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर फेस टू फेस जाने लगेंगे तो लुडविग कैसर गंथर को वहां से हटा देंगे। तो आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वाइकिंग रूल्स मैच होगा द न्यू डे और वाइकिंग रेडर्स का, और इस मैच के आखिर में वाइकिंग रेडर्स मिलकर कोफी किंगस्टन को दो टेबल के ऊपर पटक कर उनका पिनफॉल करेंगे और ये मैच वाइकिंग रेडर्स जीत जाएंगे। तो इस हफ्ते के लिए WWE ने अनाउंस कर दिया था कि रोमन रेंस सेलिब्रेट करेंगे उनकी 2 साल एज अ यूनिवर्सल चैंपियन, और इसी की तैयारी करते हुए नजर आएंगे सैमी ज़ेन और उसोस रिंग के अंदर। लेकिन जब रोमन कार से उतरेंगे तो बैकस्टेज में ड्रू मैकइंटायर उन्हें क्लेमोर किक मारेंगे और फिर ड्रू रिंग की तरफ जाकर सैमी ज़ेन और उसोस पर अटैक कर देंगे, और जे उसुक पर टेबल और जिमी उसुक पर बैरिकेड भी ड्रू मैकइंटायर आने वाले स्मैकडाउन में तोड़ने वाले हैं। तो ऐसे नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन खत्म होगा। तो कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने अनाउंस कर दिया है कि बॉबी लैशली का सिंगल्स मैच होगा द मिस के साथ, और रकेल रोड्रिगस और अलाया टीम अप करके वुमेन्स टैग टीम टूर्नामेंट के फाइनल मैच में फेस करेंगी डकोटा काई और यो स्काई की टीम को, और इस मैच में जीतने वाली वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन जाएंगी। और इसके साथ WWE ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि सैमी ज़ेन और उसोस इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उसोस और सैमी ज़ेन इस हफ्ते रॉ में आकर क्या करते हैं, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।